हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ बात करने वाली हूँ लड़कों के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे ये डिमांड आ रहा है लड़कों से कि मुझे मेरे फेस के लिए बताया जाए। उनके फेस जैसे कि बाहर जाने से थोड़े से डल हो जा रहे हैं, किसी के थोड़े से स्पॉट्स आ रहे हैं, किसी को थोड़ा सा रैशेज हो रहा है, सनबर्न हो रहा है, पिम्पल आ रहा है। तो आज मैं उनके लिए कुछ स्पेशल लेके आई। लड़कों के लिए बहुत सिंपल है और बहुत छोटा सा रूटीन होता है, क्योंकि उनके स्किन को इतना जरूरत नहीं होता है खाना खाना, वो इतना ना कर भी नहीं पाते हैं। तो मैंने कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ लड़कों के लिए। बहुत दिनों से डिमांड में था और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए भी थे मेरे फ्रेंड्स से, कुछ व्यूअर्स से। तो आज मैं उनके लिए ये लेके आई हूँ। तो अभी के लिए मैं लड़कों के लिए सिर्फ दो टिप्स देने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी समर आ चुकी है और जैसे कि अभी दो दिन पहले बारिश हुआ था, तो अभी जैसे कि समर आ चुका है तो मैं आपको समर बेस टिप दूंगी, क्योंकि जब ठंडी आएगी तो वापस ठंडी की मैं आपको बता दूंगी। अभी चलिए समर की बात। तो जैसे कि आज मेरा फर्स्ट थिंग जो लड़कों के लिए है वो है ये फेस वॉश, हिमालय का फ्रेश स्टार्टर ऑयल क्लियर फेस वॉश लेमन। और ये बहुत अच्छा है फॉर समर, क्योंकि हमारे स्किन में ऐसा होता है, जो लोग नॉन ऑयली स्किन भी जिनके होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है ड्यू टू सन रेज, ड्यू टू स्वेट, उनके भी टी जोन पे ना बहुत ज्यादा ऑयल आता है, किसी के फोरहेड पे सिर्फ आता है। तो यूज दिस, दिस इज बेस्ट फॉर समर पहला। और ये बहुत अफोर्डेबल है, ओनली 140 रुपीज। तो ये आपका आराम से एक महीना चलता भी है, बड़ा वाला पैक है, दिस इज ये बहुत लंबा चलता भी और बहुत अच्छा है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। और हिमालय का है तो नो डाउट बहुत अच्छा होता है। इसमें छोटे छोटे बीट्स हैं जो बहुत अच्छे से आपके ऑयल को क्लियर भी करते हैं। यू कैन गो फॉर दिस नंबर वन। फिलहाल मैं आपके लिए मैजिक स्प्रे लेके आई हूँ, जो बहुत दिनों से मेरे फैमिली रिलेटिव सब मुझसे पूछ रहे थे कि तुम ये कौन सा स्प्रे यूज करती हो। लाइक माई कजन्स यूज टू ऑलवेज आस्क मी, आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन हर नेम, but she is a huge fan of that spray. Like she was like, just tell me the remedies or whenever you come my home next time just get me that spray bottle. I was like, okay, I'll just get you next time whenever I'll go there. वो बहुत दूर सॉल्ट लेक में रहती हैं तो मैं जल्दी जा नहीं पाती उनके घर। तो whenever I'm going to go your home next time, I'll get you this water definitely. और इसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ये सारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, ये फॉर मेल फीमेल ये मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, नॉट ओनली फॉर वुमेन, दिस इज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। तो ये बहुत अच्छा सा और बहुत ईजी ट्रिक है लड़कों के लिए, क्योंकि उनके लिए मॉइस्चराइजर लगाना, क्लिनजिंग टोनिंग करना इतना उनसे नहीं होता है। ये मैजिक स्प्रे का इंग्रीडियंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो जो लोग को भी अगर घर पे ट्राई करना हो प्लीज ट्राई, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड मैंने बहुत इसमें कम चीजें, बहुत बजट फ्रेंडली, बहुत लोकल वाले सामान मैंने यूज किए, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ भी ऐसा दिखाइए जो लोकल में मिलता हो, कुछ उन सब्सक्राइबर्स के लिए है। ये बहुत लोकल वाले मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, आप भी यूज कर सकते हो। और चलिए मैं आपको इसमें आई हैव जस्ट यूज 3 इंग्रीडियंट्स। तो इसमें जो ये मैंने पहला आपको इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ ये ऑप्शनल है, ये मैंने गुड वाइब्स के आलमंड ऑयल लिए हैं। आप चाहो तो ये आपको, ये मैं गुड वाइब्स की यूज की हूँ, आपको नॉर्मल स्टोर में भी आलमंड ऑयल मिलता है, तो जो भी आपको बगल के जो नॉर्मल शॉप में आलमंड ऑयल मिलता है आप वो भी यूज कर सकते हो प्रोडक्ट, बट ये डाबर गुलाबर ही लेना, कोई और नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने किसी और से भी ट्राई किया था, इतना अच्छा इफेक्ट मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में डाबर गुलाबरी से ही स्टार्ट की थी, बट फिर मुझे डाबर गुलाबरी से थोड़ा सा ना वो हो रहा था कि चलो कुछ और भी ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी और का रोज वाटर। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं परंपरा का रोज वाटर लेके आई थी, वो बहुत अच्छा स्मेल भी करता है परंपरा का रोज वाटर, बट वो इतना अच्छा मैजिक नहीं कर रहा था जितना अच्छा ये डाबर गुलाबरी कर रहा था। तो ट्राई टू बाय दिस ओनली, डाबर गुलाबरी। और ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है ग्लिसरीन। तो आप ये, मैं लोकल केमिस्ट शॉप से ग्लिसरीन लेके आई थी, तो आप भी अपने बगल वाले किसी भी केमिस्ट शॉप में जाएं और एक ग्लिसरीन का बॉटल ले लें। तो इसको बनाने का आपको मैं तरीका बताती हूँ। हाफ बॉटल ऑफ, अगर मैं डाबर गुलाबरी का अगर इसमें पोर कर रही हूँ तो मैं उसमें एक ड्रॉप आलमंड ऑयल डाली। अगर किसी को ऑप्शनल है, मैं बता रही हूँ बार बार, अगर आपको बगल वाले किसी शॉप में अगर ये ड्रॉपर नहीं मिलता है तो यू कैन यूज इट विथ योर स्पून, जो आपका टीस्पून आता है
आपके घर में होगा ही टीस्पून, तो आप अपनी मम्मी से पूछ लीजिएगा, आप एक टीस्पून इसमें, अगर आप हाफ बॉटल अगर पोर कर रहे हो तो उसमें एक टीस्पून आपको आलमंड ऑयल डालना है और दो टीस्पून आपको ये ग्लिसरिन डालना है जो मैं केमिस्ट शॉप से लेके आई थी। और दिस वाटर इज रेडी, अच्छे से पहले शेक करना, हमेशा यूज करने से पहले इसको अच्छे से शेक कीजिएगा एंड जस्ट स्प्रे इट ऑन योर फेस। एंड ये बहुत अच्छा एक स्मेल भी देता है बिकॉज इसमें आलमंड ऑयल और डाबर गुलाबरी मिलके बहुत अच्छा एक स्मेल देता है। आई डोंट नो सिर्फ ये गुड वाइब्स का स्मेल है या फिर बाकी किसी भी आलमंड ऑयल में स्मेल मिलता है। ट्राई ओनली दिस टू प्रोडक्ट आई हैव यूज्ड एंड दिस इज द मैजिक। लाइक यू कैन सी आई हैव नो पिंपल ऑन माय फेस, माय फेस ग्लोज लाइक दिस आल्सो। मैं कभी आपको लाइक जो भी मुझे ऐसे नेचुरली भी देखते हैं वो कहते हैं कि आप क्या लगाते हो, आपका फेस इतना ग्लो करता है विदाउट मेकअप आल्सो। तो दिस इज द इंग्रेडिएंट दैट आई यूज इन समर। मैं अभी इसको 1 वीक से यूज कर रही हूँ क्योंकि 1 वीक से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ और ये यूज कर रही हूँ और कुछ नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि अभी क्वारंटाइन चल रहा है और कोई बाहर नहीं जा रहा है अपने घर से, कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, तो कुछ और मुझे लगाने का, सनस्क्रीन भी लगाने का मुझे जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि मैं किचन में भी नहीं जाती हूँ, मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग दिस टू एंड आई एम हैविंग अ वेरी क्लियर एंड गुड स्किन, आई एम हैप्पी विथ माई स्किन। यू कैन गो एंड ट्राई। एंड दिस टाइम मैंने ये लड़कों के लिए भी स्पेशली है, आप लड़के इसे ट्राई करें और लड़कियां भी इसे ट्राई करें एंड मुझे बताएं रिव्यू आपको कैसा लगा। जस्ट गिव मी द रिव्यू इन माय कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे बेल आइकॉन के संग एक रेड कलर का बटन है तो उसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो। और थैंक यू, बाय, टेक केयर।